या इसमें कुछ रफ्तार पाजी आए हैं लाइव. आई वुड लव टू गेट रफ्तार ऑन एंड हैव इफ इट ऑल ही इज इंटरेस्टेड, बिकॉज रफ्तार ने भी बेफजूल का इस बात का तंकड़ बनाया है. दिस इज फॉर एवरीवन. जो भी अगर अगर रफ्तार भी ये सुन रहा है, रफ्तार, यू नो आई एम 48, आई बीन देयर अराउंड मच बिफोर, प्रॉब्ली यू नो आई बीन अराउंड बिफोर, माय करियर मी हैव स्टार्टेड बिफोर रफ्तार वाज इवन इन यूनिफॉर्म, हु नोस. तूने क्या किया है, चल हट, गालियां. This is the future. This is today's generation. नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. और आज का ये जो जो वक्त है हमारे देश में, जो कुछ भी चल रहा है, आई थिंक इट्स रियली रियली स्कैरी. और ये जो सेकंड महामारी का जो सेकंड इनिंग आप कह सकते हैं शुरू हुआ है, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वेरी 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 डेंजरस. जितने जिस तरह से ये बढ़ रहा है, आई थिंक इट्स रियली स्कैरी. आज दोपहर को कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस मुद्दे पे तो बहुत सारी बातें हो ही रहे हैं और हम सब जानते हैं कि कितनी मुश्किल घड़ी से हम गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में भी कहना बहुत ज़रूरी है कि घर में रहें, सेफ रहे, अपने अगर निकलना हो. ऑफ कोर्स हर किसी की किस्मत में, हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं कि आप आराम से घर में रह सकते हैं. यू हैव टू स्टेप आउट, यू हैव टू डू योर वर्क. तो जब आप घर से बाहर निकले तो डेफिनेटली सारी सतर्कता आप रखें. और यू नो स्पेशली जो लोग जैसे कुंभ से वापस आ रहे हैं या कलकत्ता में जिस तरह की रैलीज हुई हैं, आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली स्कैरी. और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल सा ये पूरा बिहेवियर रहा है. सो लेकिन इसके बाद ऐसा लग रहा है कि स्प्रेड इज़ गोइंग टू बी इवन मोर. सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल. और साथ साथ जितना हो सके अपनी सोच को हमें पॉजिटिव रखना है, क्योंकि घर बैठे बैठे कई बार सोच जो होती है ना, वो भी यू नो मुश्किल होता है उसको, उसमें संतुलन रखना, उसमें बैलेंस रखना. और आज ऑफ कोर्स मैंने एक खास मुद्दा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है मेरे साथ कि मैं एक हंसी मजाक में बिल्कुल यहीं इसी स्टूडियो में एक इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, इट वाज जस्ट अ फन चैट, अ बैंटर जिसे कहते हैं ना, कि क्या है कि थोड़ा सा अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी हंसी मजाक हो, थोड़ी सी मस्ती हो, थोड़ी सी एक आपकी जो एक लाइटर पर्सनालिटी है उसे जब लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं कि हाँ चलो यार कुछ मस्ती की बातें हो रही हैं, कुछ बहुत ही नहीं तो एकदम जो एकदम वो स्ट्रेट जैकेट बातें करते हैं, बहुत ही प्लान्ड, बहुत ही हर चीज़ को नाप तोल के, तो वो आप यू नो स्पेशली मैं ये मतलब इतने सालों से यही करता आ रहा हूँ. सो आई ट्राई टू कीप इट लाइट, ट्राई टू कीप इट एंटरटेनिंग. और उस एंटरटेनमेंट के बीच में कुछ मैंने बातें एक लॉजिक के साथ, एक रीजन के साथ कहने की कोशिश मैंने की थी, जिससे कई लोगों ने इसको एक यू नो काफ़ी मीडिया हाउसेस ने भी उस बात को काट छाट के पकड़ लिया. और बात ऐसी निकली कि मैं जो हूँ रैपर्स के विरुद्ध हूँ. तो ये जिनको ऐसा लगा इस इंटरव्यू को देखकर सुनकर, मैं ज़रूर उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो नज़रिया है, वो मैं जानना चाहता हूँ कि उनको ऐसा क्यों लगा कि मैं रैपर्स के विरुद्ध बात कर रहा हूँ. मैं बस इतनी सी बात कह रहा था कि हमारे जो म्यूज़िक कंपनीज़ हैं उनको एक बिज़नेस है, और हम जो आर्टिस्ट हैं हमारी एक क्रिएटिविटी है. तो हमारे वो आर्टिस्ट जिनको आज लगता है कि इतनी उनमें सिंगिंग की टैलेंट है, इतनी उनमें क्रिएटिविटी है, उनके गानों में यू नो इतना उन्होंने सीखा है, इतना कुछ किया है, लेकिन उनकी तरह का म्यूज़िक जिसमें एक स्ट्रॉन्ग म्यूज़िकलिटी है वो प्रमोट नहीं होता, और जो कमर्शियल चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रमोट हो रही है. तो मैं इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कमर्शियल चीज़ है उसमें उतनी ज़्यादा अगर आप म्यूज़िकलिटी रखते हैं तो जो आम जो लोग हैं उनको उस बात को समझने में इतनी आसानी नहीं होती. ये सिर्फ म्यूज़िक की बात ही नहीं है, अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर मैं आपको आज पूछता हूँ कि समझ लीजिए कि हमारे जो ओवरब्रिजेस बन रहे हैं, जो हाईवेज बन रहे हैं, तो इसमें ये जो कंक्रीट है या कंक्रीट कैसे बन रहा है, या यू नो इंजीनियरिंग की बात कर दूँ, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि ये जो वैक्सीन हम ले रहे हैं इस वैक्सीन के अंदर कौन सी इंग्रीडियंट्स हैं, तो बहुत मुश्किल है कि हम हमारी जो फील्ड है उसको छोड़कर किसी और फील्ड के डिटेल्स को समझे. और किसी भी फील्ड में अगर आप ले लेते हैं तो उसमें उतना ही एक प्रतिशत होता है कि अबाउट 10% मैक्स टू मैक्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दैट फील्ड इज. ऑफकोर्स अगर मैं आर्ट पेंटिंग की बारीकियों की बात करें कि क्या स्ट्रोक है, कौन सा ऑयल पेंटिंग है, कौन सा चाकुल पेंटिंग है, किस स्ट्रोक में क्या कलर जाता है, हाउ डू यू गेट अ सर्टन कलर, हाउ डू यू गेट सर्टन थिंग्स, वो बहुत मुश्किल होता है. और हाँ, मैंने आप सबसे ये इल्तिजा भी किया था कि जो भी हो जाए तमीज से बात करेंगे,
और बदतमीजी मत करो, गाली वाली मत दो यार, क्योंकि दैट शोज योर योर ट्रू कलर्स कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है और आप किसी यू नो किसी के साथ अगर आप पेश आ रहे हो तो ये सब लौड़ा वोड़ा बोलना बंद करो यार, ये क्या है, कौन से लोग हैं ये। और ये मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये सब मत करो, यो यो का 75। तो मुझे डर था कि ऐसे गंदे अश्लील और बहुत ही यू नो पथेरिक टाइप के लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद शायद कुछ चमत्कार हो जाए और इस तरह के जो लोग हैं, चलिए इसको ही हम लोग लाते हैं सामने अगर ये आना चाहे। यो यो का 79, लेट्स गो लाइव विथ हिम। बिसाइड्स सेइंग अब्यूज, क्या उनमें कोई और बात है जो कहना चाहते हैं? यो यो का 75, लेट्स फाइंड आउट कि इसमें कौन सी खासियत है कि ये है। आ जाओ भाई यो यो का 75। ओके, किसी वजह से इनको नहीं आना है, इनको बस छुप छुप के दूर दूर से गालियां देनी है। एंड इज दिस ऑल ऑफ देम, आर दे मोस्टली लाइक दैट? या इसमें कुछ रफ्तार पाजी आए हैं लाइव? आई वुड लव टू गेट रफ्तार ऑन एंड हैव इफ एट ऑल ही इज इंटरेस्टेड, बिकॉज़ रफ्तार ने भी बेफजूल का इस बात का तंकर बनाया है। व्हेन आई सेड कमर्शियल रैप, आई थिंक रफ्तार इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर्स, और मैं जब भी उनकी चीजें देखता हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन पब्लिकली सेइंग रफ्तार हो, डिवाइन हो, नेजी हो, नेजी इज बीन इन दिस स्टूडियो ऑल्सो, एंड यू नो व्हेन आई यूज्ड टू वॉच एमटीवी हसल, ही वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ऑल ऑफ देम। कितना कमाल का उन्होंने वहाँ, मतलब ना सिर्फ नए रैपर्स को इनकरेज भी कर रहे थे, लेकिन मैं जब भी, मतलब पता नहीं क्यों, मैं एक पॉजिटिव बात कहने की कोशिश कर रहा था, जब सिंपल कहते हैं तो रफ्तार को भी पता है कि उनके जो कमर्शियल पॉप टाइप के जो पीसेस है जिन्होंने किए हैं दूसरे आर्टिस्ट के साथ, सिंगर्स के साथ, दैट हैज गॉट अ पैन इंडिया कनेक्शन। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट, यू नो आई एम नॉट मेकिंग एनी मॉरल पुलिसिंग ऑन दैट कि वो क्यों ऐसा किया, व्हाई डज ही स्टे प्योर, ये सब बातें देखिए हर किसी को कहीं ना कहीं you have to get that popularity, और वो कहीं ना कहीं आपको ये कमर्शियल चीजों से आती है। मैंने भी इतने सारे गाने गाए हैं, तो मैं तो ये मैं सीना ठोके नहीं कह सकता हूँ कि मैंने सिर्फ बहुत म्यूजिकल गाने गाए हैं और मेरी म्यूजिकलिटी बहुत हाई है। जिसने जैसा गाना गवाया है मैं जाके वहाँ गाया है। माई जॉब इज टू सिंग एंड आई ट्राई टू सिंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, और उसके लिए मैं सुबह उठकर जो भी रियाज करता हूँ, वर्कआउट्स करता हूँ टू कीप माई यू नो कीप माई बॉडी माइंड एंड सेंसिबिलिटीज इन सुर। और सो आई एम मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके रैप में अश्लील बातें होती हैं या आपके रैप में ये बातें होती है, हु एम आई टू मॉरल पुलिस एंड हु एम आई टू जज। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो कमर्शियल चीज है कंपनीज को वो और पसंद आती है क्योंकि वो चलता है, एंड इट्स अ नोन फैक्ट। इफ यू लुक एट द व्यूज, इफ यू लुक एट द स्ट्रीम्स, देन जितना आपका सिंपल रैप हो जो हर किसी के साथ कर सकता है वो कैची आ जाता है, वो कैची चीज हो जाती है। मैंने भी स्नाइपर किया तो स्नाइपर हैज मोर स्ट्रीम्स देन माय अदर सॉन्ग्स दैट आई थॉट वर म्यूजिकली stronger and higher, and that is just the way it is. I was just trying to explain a fact, a simple fact. और अगर उस बात को उल्टा पकड़ के ये कहना कि मैं rappers के मेरे मेरे खुद मेरे मेरा जो बेटा है, so हम वो खुद rap music produce करता है, उसका अपना album है City Mall, अगर आप देखें तो उसके सारे school के जो जितने बच्चे हैं उसमें से 6-7 बच्चे हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे rap इस पूरे album को किया है, उसमें English है हिंदी में, they've had a lot of fun, they've enjoyed themselves, it's a very entertaining album अगर आप देखें, City Mall का सेल्फ टाइटल एल्बम है, 10 गाने हैं। सो व्हाई वुड आई बी अगेंस्ट रैपर्स, व्हाई वुड आई बी अगेंस्ट देसी हिप हॉपर्स? आज भी मैं देख रहा था, आई मीन देयर इज सच फैंटास्टिक वर्क गोइंग ऑन देयर, और अपनी दिल की बात कहते हैं, अपना जो भी अपनी सोशल सर्कल में, अपनी सोसाइटी में उन्हें जो गलत लग रहा है उसके बारे में वो आवाज उठा रहे हैं। दैट्स व्हाट रैप इज अबाउट, इट्स अबाउट यू नो आई एम श्योर कि कई लोगों को लगता है कि इतना इतना गुस्सा किस बात का, लेकिन आप जब उनके व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज यू प्रोबब्ली अंडरस्टैंड दैट। और तो इसलिए मैंने कभी अगर मैंने उसी इंटरव्यू में कहा कि कमाल कमाल के रैपर्स रहते हैं, उनकी उनकी जो रिदम्स होती है, उनकी जो फ्लो होती है वो कमाल की होती है, और वो बात भी है उसी इंटरव्यू में, तो पता नहीं क्यों आप सिर्फ मतलब सिलेक्टेड लिसनिंग करना है और किसी के। आप देखिए यार, मैं अभी पिछले मेरी उम्र अभी है 48, आई स्टार्टेड सिंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ 4, माई फर्स्ट रिकॉर्डेड एल्बम विथ HMV, तभी सारेगामा का नाम HMV हुआ करता था, बंगाली नर्सरी राइम एल्बम हमने रिलीज, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट, ऑफकोर्स मेरी बहन थी, मेरे डैड का म्यूजिक था, आई कम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली, हर जॉनर में मैंने काम किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई प्योरिस्ट हूँ, मैं कोई क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ, मैं एक बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूँ कि जो कमर्शियल चीज़ है वो चलती है। आज अगर मैं कहीं शो करता हूँ और कोई बड़े
क्लासिकल की जो जिन्होंने विशारत की होगी या फिर उतने लोग नहीं आते. उसी तरह से जब कोई अंडरग्राउंड रैपर अपनी उस जोन में अपना ये करता है, ही विल हैव अ मच बिगर फॉलोइंग. आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. यो-यो की स्टारडम से मुझे क्यों जलन हो या मुझे क्यों तकलीफ हो उससे. आई मीन हैट्स ऑफ टू व्हाटएवर यू नो टुडे दे यू नो दे आर लिविंग द लाइफ या दे आर हैविंग फन. आई हैव नॉट मेड एनी काइंड ऑफ मॉरल कमेंट. मैंने ये भी कहा कि अगर लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ कुछ उसमें कुछ वल्गैरिटी है उसलिए चल रही है, कई लोगों ने ये कहा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बात जो है जितना सिंपल होता है ज्यादा वो लोग चलते हैं. ये नहीं कह रहा हूँ कि रैप सिंपल है, सिंपल बात है. अगर इस बात को कोई समझ नहीं पाया और इस बात को लेकर इतना बड़ा पखेड़ा कर रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो. मेरी जिंदगी में कभी इस तरह की गालियां मुझे ना सुनने पड़ी थी ना कभी. व्हाई आर यू डूइंग दिस? किस तरह की सोच है ये? कहां से आप गटर से अपना दिमाग निकालो बच्चे, ये क्या हो रहा है? एक इंसान जिसने पिछले इतने सालों से काम करता आया है हर हर फील्ड में, चाहे वो प्लेबैक हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे जजिंग हो, होस्टिंग हो, हमेशा जिसको अपने स्माइल से जाना जाता है, जिसके अपनी रोमांटिक गानों से जाना जाता है, उससे आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं. तू कौन है? तूने क्या किया है? चल हट. गालियां, ये दिस इज द फ्यूचर, दिस इज टुडेज जेनरेशन. इससे आपको आपके आप अपने माता पिता से पूछिए मैं कौन हूँ, अपने टीचर से पूछिए मैं कौन हूँ, वो आपको बताएंगे. कम गाने गाए हैं, कम पॉपुलर गाने गाए हैं कि आज मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं. ये कोई शान भाई लुंगी डांस करो चौरिया 777, क्या हो रहा है? व्हाट आर द कमेंट्स? मैंने कहा था हाँ, तो हमें मत सिखा रे कुत्ते, पहले खुद के गाने देख के कितने घटिया बनाता है तू गाने. दिस इज सम मिस्टर जसप्रीत. This is the state of mind of ये भी कुछ आया है, फटेले निरोध के नतीजे तेरे बड़े बाप. So these are the kind of people that we are dealing with. So अगर this is the इस श्रेणी के लोगों से मुझे popularity चाहिए या इनकी मुझे क्या कहें मतलब thumbs ups चाहिए, तो I'd rather not. और मैं बस यही दुआ करूंगा कि आपको सद्बुद्धि आए, थोड़ी सी सेंस आपने आए, और अपने सोसाइटी में अपने साथ जो लोग हैं यू नो उनके लिए कुछ अच्छा सोचे, जिंदगी में आगे बढ़ें, और अपने माँ बाप को यू नो मेक देम प्राउड ऑफ 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 यू एंड व्हाट यू डूइंग. लोगों को गाली देकर अगर आपको खुशी मिल रही है तो फिर आपकी जो दिमागी जो कंडीशन है उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है. सो please avoid yaar. I'm sure even Yo-Yo Honey Singh is not happy that you know most of his fans want to abuse, want to use you know absolutely pathetic language. Agar koi reasonable koi sawal hota, agar koi reasonable koi baat banti to main zarur I would love to answer that, but sirf aap gaali denge, aap gande gestures karenge to main iska kya jawab dunga yaar. Mujhe sachmuch laga tha ki yahan kuch sensible bande aayenge aur wo kuch mujhe unhe kis baat ka bura laga वो मुझे समझाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ गालियां, सिर्फ गंदी बातें कंटिन्यूअसली. इट्स टेरिबल. एंड लेट मी चेक इफ इफ रफ्तार इज हियर, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि रफ्तार इज हियर. सनी तो आशीष है, कोई आशीष के साथ बात करता हूँ. कोई तो मिले यार जो कुछ मुझे कुछ सेंसिबल बातें करे, क्योंकि यू नो यू आर ऑल्सो द एम्बेसडर्स ऑफ दिस जनरेशन. आप सब से बहुत उम्मीद है कि आगे जाके हमारे देश के आप फ्यूचर के आप ही प्रेजेंट हो. आज हमारे देश की जो आबादी अगर कहें तो अगर जनरल एवरेज एज कहें तो दैट इज़ अबाउट 28 एंड ये वर्किंग क्लास एज है, और 28 साल के बहुत ही हमें रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल लोग चाहिए, जिनमें वो रिस्पॉन्सिबल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल सेंस ऑफ वो सारी चीज़ें एक यंग एज से आनी चाहिए. 28 की उम्र में तो मैं शादी कर चुका था, अपना अपने पैसों से अपना घर खरीदा था. मैं मेरी शुरुआत हुई एक भाड़े के कमरे से. मैं कभी भी अपने पिताजी अपने माँ बाप को मेरी आर्थिक सिचुएशन के बारे में बोलकर उनको मैं कभी जलील नहीं करूँगा. मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा मैंने उस इंटरव्यू में भी यही कहा था कि चाहे जो भी हो, मुझे अच्छी एजुकेशन मिली और मुझे बहुत लिबरल सोच वाले पेरेंट्स मिले जो हमेशा हर किसी को अपनाने का
हर किसी को कभी किसी को गलत जज ना करने का मुझे उन्होंने ये सीख दिया। उस वजह से इतने सालों से चाहे मैं कभी टॉप में रहा हूँ कभी मैं इतना टॉप में नहीं रहा हूँ, लेकिन प्यार हमेशा मिलता गया और हमेशा लोगों का साथ मिला है। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर टू हैव इन माइंड। आज आप लोग यंग हो, आज आप लोग जो भी हो, सचिन चौधरी जिसको लोडू एक लोडू लोडू वाह, तो अभी आपको सीखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न योर लैंग्वेज, यू हैव टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। आगे जाके जिंदगी में कुछ बनना है या फिर बस इसका मजा लेना है कि आप चले गए किसी को, एक रिस्पेक्टेबल आदमी को आपने गाली दे दिया और आप बहुत खुश हो गए और उसने आपका नाम लिया तो और भी खुश हो जाएंगे, पता नहीं क्या है। तो दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर, आप ऐसा ना करें। और आज मुझे सचमुच लगा था कि एक एक तो सेंसिबल कोई मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ गंदगी है। तो इस बात को मैं अब और आगे नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई है कि एक पूरी जनरेशन जो है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। अभी भी वक्त है, अगर आप खुद को सुधार सके तो सुधारिए और कुछ ढंग की सोच लाइए अपने ज़िंदगी में, दूसरों के काम आइए और सिर्फ लोगों को गालियां देकर लोगों को छोटा दिखाकर अगर आप खुद बड़े हो जाते ना तो फिर ये कमाल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये शायद आपकी गलतफहमी है। अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, अपनी बलबूते पे हमें कुछ बनना होता है। आई वॉज 14 व्हेन आई लॉस्ट माई फादर। मेरी मम्मी कोरस में गाती थी। उस पॉइंट से मैं स्कूल में था तब से मैं बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। मैंने बहुत मेहनत की। मैं जब कॉलेज में था तब मैं सेल्समैन का भी काम करता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। मैं केबल पॉइंट्स उस जमाने में बेच रहा था ताकि कुछ पैसे मिले। मैंने एक मेरे दोस्त से लोन लेकर 10,000 रुपये के लोन से मैंने एक बिजनेस शुरू किया था। उस बिजनेस में मैं खुद उसका प्यून भी था, मैं प्रोप्राइटर भी था। साइकिल में जाके मैं पहले उसका जो ड्राफ्ट बनता था, ये एक DTP, ये उस जमाने की बात है जब इस तरह के फोन पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी। कंप्यूटर पे हर किसी के पास कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे, तो लोगों के लिए मैं प्रिंटिंग करता था और वो प्रिंटिंग करके फिर उसका मतलब ड्राफ्ट बनाकर अप्रूवल लेकर फिर कितने कॉपीज बनाने हैं वो सब करता था। ये सारी बातें मैं क्यों कहूँ, क्यों बताऊँ लोगों को कि ये है वो है। लेकिन आज अगर आपको लग रहा है कि आज मेरी अपनी स्टूडियो है और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, तो मैं भी वहीं से शुरू किया हूँ जहाँ कई लोग शुरू किया, शायद उनसे भी और आर्थिक लोअर स्तर से शुरू किया हूँ। बहुत सारी किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सब बताकर आपको कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है, वहां से अगर कोई इंसान निकलना है ना, तो याद रखिए कि गरीबी में ताकत बहुत है। गरीबी में जो जुनून है, गरीबी से जो आपको एक कुछ कर मिटने की जो एक हसरत जागती है ना मन में, वो अमीरी में नहीं है। और वही जुनून, वही ताकत कई लोगों को बहुत आगे ले गया है। लेकिन अगर आप गरीबी का बहाना बनाकर कहें कि नहीं बस इस कीचड़ में तो मेरी सोच कीचड़ जैसी ही होगी, तो फिर आप वहीं रुक जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। तो ये मत कीजिए। डू योर सेल्फ अ फेवर, एजुकेट योर सेल्फ। एजुकेशन मैंने ये नहीं बोल रहा कि स्कूल वो तो करना ही है, वो तो करते भी हो, लिटरेसी और एजुकेशन में फर्क है ना। अच्छी सोच लाइए, पॉजिटिव सोचिए, और ये सब गंदागिरी करना बंद करो यार। गालियां मुझे भी बहुत आती है, लेकिन यही है कि मैं इस पोजिशन में बैठकर आपको मैं गाली तो नहीं दे सकता। चुपचाप आपकी गालियों को मुझे सुनना है, लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ आपके, शायद मैं पिताजी से भी, मेरी उम्र ज्यादा है, तजुर्बा ज्यादा है, तो उससे मैं यही कह सकता हूँ कि आज आपको लगता है कि आप जवान हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप भी बूढ़े हो जाओगे। कोई फॉरएवर यंग तो नहीं रहेगा ना भाई। तो जब आप यंग हो तो आपके जो बड़े हैं उनकी इज्जत कीजिए, कि जब आप उनकी उम्र में होंगे तो आपको भी इज्जत करने वाला कोई होगा। हाँ, सो बी गुड, बी काइंड, बी जेनरस, बी कंपैशनेट, एंड स्टॉप होल्डिंग द रॉन्ग एंड ऑफ थिंग्स। अगर मैं इतने तजुर्बे के बाद, इतने साल बाद अगर मैं कोई बात बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, दिस इज फॉर एवरीवन, जो भी अगर रफ्तार भी ये सुन रहा है, रफ्तार, यू नो आई एम 48, आई बीन देयर अराउंड मच बिफोर, प्रॉब्ली यू नो आई बीन अराउंड बिफोर, माय करियर मी हैव स्टार्टेड बिफोर रफ्तार वाज इवन इन यूनिफॉर्म, हु नोस। तो अगर आपको मेरे बात से कुछ बात गलत लग रही है ना, तो पहले उस बात को समझो। मैंने आपके ऊपर कोई तोहमा, कोई गलती, कोई बात नहीं। I've always said you're a fantastic rapper. I love your flow. मैं अभी भी आपके साथ एक duet था, and when you came and you took it to the next level, it was absolutely amazing. अब मैं सुनते रहता हूँ ये गाने, क्योंकि my son is a rap producer, hip hop producer, R&B producer, और I still feel that, you know, शायद one of these days मैं एक pure rap गाना भी create करूँगा और आप सब सुनेंगे, देखेंगे। तो I love challenges, I love trying out things that I haven't done.
तो अगर वो कह रहे भाई जी से नहीं हुआ, तो मैं भाई उस पॉइंट पे कमर्शियल चीज कर रहा था, और आपको भी पता है, आपने भी कमर्शियल चीज की है, हाँ, तो नहीं हुआ ये मत सोचो यार। मैंने हर किस्म के गाने गाए हैं, रैप करना ऑनेस्टली, ऑनेस्ट टू गॉड, इट्स नॉट गोना बी दैट डिफिकल्ट फॉर मी, नॉट फॉर मी, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, बट इट्स ट्रू, और मैं करूंगा, आप देखेंगे, आप सुनेंगे, तो ये मत करो यार। हाँ, बीन अराउंड टू लॉन्ग टू डील विद नेगेटिविटी एंड नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव पीपल, सो डोंट डू दैट। मैंने जो कुछ भी कहा एक अलग नजरिए से, एक अलग एंगल से मैंने कहा, अगर आपको वो बात समझ नहीं आई तो उस वीडियो को फिर से देखो, फिर समझो, एंड इट वॉज अ लाइट बैंटर। मैं कोई वहां कोई मुद्दे के साथ नहीं खड़ा था कि ये इसको बैन कर दो, उसको बंद कर दो, इसको नहीं करो, उसको नहीं खड़ा करो, अरे मैं ऐसी कोई बात किया ही नहीं है इतनी पूरी जिंदगी में। मैंने इतने सारे शोज को, रियलिटी शोज को किया, जितने रियलिटी शोज के जितने विनर्स हुए हैं आप उनको पूछो। मैंने पवनदीप को अपने घर में रखा था कितने दिनों के तक, लोगों से मिलवाया, वही पवनदीप जो आज कमाल कर रहा है इंडियन आइडल में, व्हेन ही वन द वॉइस ही वाज विद मी, नेक्स्ट सीजन फरहान साबिर था, उसको आप बताओ, पूछो, ही वाज विद मी, आई गॉट देम टू मीट स्निग्धजीत, कितने लोग हैं। मेरा पूरा हैपीडेमिक, जो मेरी वाइफ जो ये कंपनी चला रही है, दैट इज ओनली टू प्रमोट यंग टैलेंट, टू गिव देम लाइवलीहुड, टू गिव देम रिस्पेक्टेबल वर्क, तो व्हाई विल आई बी अगेंस्ट एनीवन और एनीथिंग। सो जस्ट स्टॉप दिस रबिश, बंद करो यार ये सब। ऐसी एक महामारी चल रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम से हम चल रहे हैं, वहां बातों को हल्का रखो, रिलैक्स रखो। अगर कोई कुछ कह रहा है, उसकी बैक चेक इज हिस्ट्री, हु इज टॉकिंग, इट्स मी, हैव सम रिस्पेक्ट यार। बाय गाइस, वंस अगेन स्टे सेफ, और मेरी गलती है कि मैं ना समझो को समझाने की कोशिश में आया था यहाँ, लेकिन यहाँ तो देख रहा हूँ कि सिर्फ गाली गलौज चल रही है और सिर्फ अश्लील बातें चल रही है, और बस लोगों को जलील करने में अगर आपको मजा आता है तो बेस्ट ऑफ लक टू यू, बट आई होप कि यहाँ कुछ ऐसे भी मुझे मतलब देखने वाले सुनने वाले हैं जो जो इस बात को समझे कि इट्स नाइस टू बी नाइस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग नाइस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग नाइस, बी अ गुड पर्सन। हाँ, और ये सब गंदी सोच गटर से जो लोग निकल रहे हैं उनको उनको थोड़ा सा समझाओ कि ऐसा ना करें। हाँ, और आप ये बात नहीं समझते हैं कि पोल्यूशन सिर्फ जो दिखता है वो पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन सोनिक पोल्यूशन भी होती है कोई चीज, और आप जितने अश्लील गाने कह रहा हूँ इतने अश्लील गाने आप सुनेंगे। देखिए, कई बार फिल्मों में ऐसा हो जाता है कि अगर हमें कोई ब्रीफ दिया जाता है, उस ब्रीफ के अनुसार हमें गाना बनाना होता है ना, तो उसमें हमारी कोई गलती है नहीं। अगर मुझे कोई बुलाकर कोई गाना गवा रहा है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, एट द मोस्ट आई विल से कि हाँ ये गाना बहुत एक हद पार हो रही है, तो ऑफ कोर्स आई कैन स्टॉप दैट ना, बियॉन्ड दैट आई एम कॉल्ड टू डू अ जॉब। लेकिन अगर आप खुद अपने गाने लिखते हैं, अगर आप खुद अपने गाने बनाते हैं और अपने चैनल पे अपने अपने ब्रीफ के हिसाब से आप रिलीज कर रहे हो, उसमें भी अगर अश्लीलता हो, उसमें भी अगर लड़कियों और दुनिया को आप जलील करो, उसमें भी बस अपनी वाहवाही करो, तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट राइट। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स एंड मेक द वर्ल्ड अ मोर ब्यूटिफुल प्लेस। आई एम नो वन टू जज, विच इज वाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वल्गैरिटी इन म्यूजिक, आई एम जस्ट टॉकिंग सिंपल म्यूजिक, कैची म्यूजिक वर्क्स बेटर, इतनी सी बात है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, मैं भी कैची म्यूजिक बनाता हूँ, मैं भी कोई आठवां नोट ढूंढने के लिए गाने नहीं बनाता, मैं ऐसे गाने बनाता हूँ जो आपके कान में थोड़ा सा रस घोले, आपको एक पॉजिटिव जगह ले जाए, उसमें थोड़ी सी मस्ती हो, उसमें थोड़ा सा रस हो, उसमें थोड़ी सी रोमांस हो, बस इतनी सी बात है। वो सिंपल चीजें से ही हो सकती है, और आप भी सिंपल म्यूजिक जो बनाए, बी प्राउड ऑफ इट, बींग सिंपल इज नॉट एन अब्यूज, इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। बाय बाय।